गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन मतदाता बनने के लिए स्नातक व्यक्ति 1 अक्टूबर से आवेदन कर सकते हैं। आगामी 1 अक्टूबर से गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन की मतदाता सूची के पुनरीक्षण हेतु आवेदन प्राप्त किया जाएगा, जो प्रारूप 18 के तहत आवेदन होगा, जो कि गोरखपुर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है तथा कार्यालय में भी उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति फोटो कॉपी कराकर मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकता है। इसलिए जिसने 2019 के पहले अपना स्नातक पूरा कर लिया है, वह मतदाता बनने के हकदार हैं। इससे पहले जनपद में 50,000 मतदाता थे, अब जनपद में 1,00,000 से अधिक स्नातक लोग होंगे। इसलिए स्नातक निर्वाचन के लिए प्रारूप 18 भरकर तहसील बीडीओ के पास जमा कर सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह डिप्टी डीओ गोरखपुर हूँ। आगामी 1 अक्टूबर से गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन की मतदाता सूची के पुनरीक्षण हेतु आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। प्रारूप 18 में ये आवेदन होगा। ये आवेदन हमने गोरखपुर की जो वेबसाइट है उस पर भी अपलोड कर दिया है, हमारे कार्यालयों में भी उपलब्ध है, अन्य लोग भी इसकी फोटोकॉपी करा सकते हैं। मेरा अनुरोध है कि जो भी व्यक्ति 1 नवंबर 2022 के 3 साल पूर्व, अर्थात 1 नवंबर 2019 के पूर्व में जिसने अपना स्नातक पूर्ण कर लिया हो, उसको डिग्री प्राप्त हो गई हो, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूर्ण कर लिया है 1 नवंबर 2019 के पूर्व, वो मतदाता बनने के लिए अर्ह हैं, एलिजिबल हैं। पूर्व में हमारे जनपद में 50,000 मतदाता थे। मेरा अनुमान है कि जनपद में 1,00,000 से अधिक स्नातक लोग होंगे। मुझे जो लोग सुन रहे हैं उन सभी से अनुरोध है कि वे स्नातक निर्वाचन के लिए प्रारूप 18 प्राप्त कर लें, वेबसाइट पर प्राप्त कर लें, व्हाट्सएप पर प्राप्त कर लें और उसको भर के जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी जमा करेंगे उतना अच्छा होगा। जमा करने के लिए पूरे जनपद में सभी तहसीलों में, सभी ब्लॉक में ये फॉर्म जमा किए जाएंगे। आप बीडीओ साहब के पास, तहसीलदार साहब के पास, एसडीएम साहब के पास, जिसके पास चाहें उनके पास भर करके जमा कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।